तो गाइस जैसे कि आप सभी को याद होगा कि इसके पहले वाले एपिसोड में हमारे गाड़ी के चारों टायर पंचर हो जाते हैं। अब उसी चीज को ठीक कराने के लिए हम लोग आप पहुंचते हैं शहर के एक गैराज में। पर जब हम वहां के ओनर से मिलने जाते हैं वो अचानक से उस सर्बियन लेडी जैसा डांस करने लगता है, जिसके वजह से मैं तो डर जाता हूं और वहां से भाग जाता हूं। हमारी नसीब अच्छी थी इसलिए वहां से एक मैकेनिक हमारे साथ आ जाता है और वो हमारे गाड़ी के चारों टायर चेंज कर देता है। उसके बाद हम लोग सीधा घर पर पहुंच जाते हैं, पर फिर कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। मिंचन आधी रात को उठता है और अचानक से उस सर्बियन लेडी को देखता है। फिर वो सर्बियन लेडी पता नहीं कौन सा काला जादू उस पर करती है, जिसके वजह से मिंचन भी वैसे ही डांस करने लगता है और फिर अचानक से बेहोश हो जाता है। इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। उसी के बीच में वो चुड़ैल हमें अचानक से वापस भी दिखती है। अब देखते हैं आगे। मिंचन यार, मिंचन तो उठ ही नहीं रहा है, पता नहीं इसे क्या हुआ है यार, ये ठीक होगा भी या नहीं, बेचारा डांस करते करते बेहोश हो गया है। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये सब आपकी गलती है, आपको इसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अरे यार मेरी गलती कैसे हुई है, और यहाँ पर कोई डॉक्टर क्यों नहीं है, ये पेशेंट क्या कर रहा है? ओ भाई साहब, ऐसे बेड पर उल्टा क्यों लेटे हो, घर पर थोड़ी ना हो आप? शिनचैन चौप, तुम दोनों यही पर रुको, मैं जाकर देख के आता हूँ कि डॉक्टर कहाँ पर रह गए। ना कोई नर्स दिख रही है ना कोई डॉक्टर है, कैसा हॉस्पिटल है ये, यहाँ पर भी कोई नहीं है यार, कहाँ जा सकते है, यहाँ पर जाके चेक करता हूँ। ओ गाइस ये रहा डॉक्टर। सर मेरी बात सुनिए, इस पूरे हॉस्पिटल में आपको छोड़ के कोई डॉक्टर ही नहीं है क्या, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है, तो प्लीज आप ही मेरे साथ चलिए ना, मेरा भाई वहाँ पर बेहोश पड़ा है। अच्छा अच्छा रुको, ऐसी बात है तो मैं आता हूँ। चलो गाइस फाइनली माने तो सही, चलो गाइस डॉक्टर भी आ चुके हैं। देखिए ना सर, ये रात को अजीब सा डांस कर रहा था, फिर अचानक से बेहोश हो गया, उसके बाद उठा ही नहीं है। जरा चेक कीजिए ना इसे क्या हुआ है, ये ज्यादा सीरियस तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो शक हो रहा है कि इस पर कोई काला जादू वाला जादू किया हुआ है, वरना ये अचानक से नाचने क्यों लगता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बच्चे कभी कभी मूडी होते हैं, उनका मन करता है तो वो नाचने लग जाते हैं, और ये काला जादू पीला जादू कुछ नहीं होता। अरे लगता है डॉक्टर ने वो डांसिंग लेडी अभी तक देखी नहीं है। हाँ देखते तो पता चलता है इनको कि काला जादू होता है और पीला जादू भी होता है। गाइस यार डॉक्टर चेक तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, देख रहे हो आप लोग, थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है वो। एक तो मेरा टेंशन बढ़े जा रहा है, मुझसे कहीं रुका भी नहीं जा रहा, कुछ पता लग रहा है कि नहीं डॉक्टर? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। अच्छा ठीक है सॉरी। गाइस यार देखो, मैंने इसे बहुत अच्छे से चेक किया है, इसे कोई भी बीमारी नहीं है, मुझे लगता है इसे किसी चीज का शौक लगा है, जिसकी वजह से ये ऐसे करने लगा और फिर बेहोश हो गया है। ये हॉस्पिटल वाला केस लग ही नहीं रहा है, पक्का कुछ तो अलग गड़बड़ है, मुझे वही तो पता नहीं लग रहा है कि क्या गड़बड़ है, ये मेरे बस का तो नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम किसी और को भी दिखा सकते हो। अरे यार अगर आप भी ठीक नहीं कर पाओगे तो फिर कौन ठीक करेगा इसको, आपको कुछ तो करना होगा, एक और बार ट्राई कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। शिनचैन चौप अभी क्या करेंगे, ये तो खुलेआम मना कर रहे हैं यार। अरे कैसे डॉक्टर है, एक और बार ट्राई करने में क्या ही जाता ही। हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया एकदम सच बोल रहे हैं, हमारे छोटे भाई का सवाल है। अरे फ्रैंकलिन भैया एक मिनट, मिंचन गाइस यार इसे तो होश आ गया है, भाई तू ठीक तो है ना? अरे हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या ही हुआ था। क्या ही हुआ था मतलब, तुझे पता नहीं है तू कब से बेहोश पड़ा है और उसके पहले अजीब सा डांस कर रहा था? अरे क्या बात कर रही हूँ, मुझे तो वो डांसिंग लेडी दिखी थी, उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। अरे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई मिंचन। मिंचन तुझे सच्ची में कुछ याद नहीं है? अरे फ्रैंकलिन भैया मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तो सच्ची में कुछ भी याद नहीं, पर मेरा सर बहुत दुख रहा है। तू चिंता मत कर, हम लोग तेरा माइंड फ्रेश करेंगे, आ जाओ मेरे पीछे। गाइस यार बच्चों को कहीं थोड़ी देर घुमा लाता हूँ, सब लोग थोड़े से शांत हो जाएंगे। अरे मैडम जी दरअसल मुझे अपने भाई को घर पर लेके जाना है, जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी करवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है सर। ओहो ये क्या चल रहा है टीवी पे, चैन से सोना है तो जाग जाओ, कल रात की ताजा खबर, कई लोग नाचते हुए दिखाई दिए, पर ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं था, ये बहुत ही अजीब सा डांस था, और ये सारे लोग जो नाच रहे है ना ही ये एक दूसरे को जानते है, फिर भी ये सब एक जैसा ही डांस कर रहे है। अबे यार ये तो बिल्कुल उस लेडी जैसे डांस कर रहे है। गाइस यार सबसे पहले बच्चों को लेके यहाँ से निकलूं, वो लोग मेरे गाड़ी के पास इंतजार कर रहे होंगे। ये रहे सब लोग। शिनचैन चौप तुम लोगों को एक बात बतानी है। अरे कौन सी बात? पहले आके गाड़ी में बैठ, रास्ते में बताता हूँ, आ जाओ फटाफट बच्चों। अरे अभी बताओ ना कौन सी बात है। अरे अभी मैं काउंटर पर गया था ना, तो वहाँ पर टीवी चालू थी, और पता है उसमें क्या बता रहे थे? उसमें बहुत सारे लोगों को सेम वैसे ही डांस करते हुए दिखाया है जैसा कि मिंचन रात को कर रहा था और जैसा कि वो डांसिंग लेडी करती है। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे डराओ मत। देखो फिलहाल तो हम लोग बाहर घूमने आए तो किसी से मत डरो, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चिल करेंगे, अपना माइंड फ्रेश करेंगे, वैसे भी सुबह से भूखे पहले कुछ खा लेते हैं। तुम लोग खाओगे ना कुछ? अरे हाँ हाँ खाएंगी। अरे भाई साहब सब गर्म तो है ना, हमें 4 हॉट डॉग चाहिए, वो भी चीज वाले, पर ठंडे मत देना वरना मैं पैसे ही नहीं दूंगा। अरे हाँ हाँ चिंता मत करो, नहीं देंगे। तुम तीनों मेरी बात सुनो, मैं कब से कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ, मुझे बहुत जोर की सुसु आई है, तुम लोग यहाँ से हॉट डॉग ले लेना, तब तक मैं सुसु करके आ जाता हूँ। भाई साहब इन बच्चों को दे देना जो भी देना है, मैंने इन्हें बोल दिया
उज्जैन में जा रहा हूँ। गाइस यार थोड़ी देर और रुकाना तो अंदर ही हो जाएगा यार, जल्दी जल्दी भाग कर जाता हूँ, सामने वॉशरूम है। चलो अच्छा हुआ के नजदीक ही था, जल्दी से अंदर घुसते है। गाइस यार कितना हल्का हल्का महसूस हो रहा है, जल्दी से जाते बच्चों के पास। अभी तक हॉट डॉग आए नहीं क्या? क्या हुआ शिनचैन, अभी तक दिया नहीं क्या इन्होंने? तुम लोग अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े हो। अरे नहीं नहीं हम लोग तो खा भी चुके हैं। क्या तो मेरा हॉट डॉग कहाँ पर है? अरे मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए वो तुम्हें खा गया हूँ। अरे सॉरी। ठीक है जाने दो, छोड़ो यार अब क्या ही कर सकते हैं, चलो जाकर बीच पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया उठो ना, कब से सोए हुए हो, थोड़ी देर खेल लेते हैं वरना तो बीच पे आके भी क्या ही मतलब होगा। अरे नहीं यार तुम लोग खेलो, मुझे तो सोना ही है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। अच्छा ठीक है छोड़ो, मिंचन और चॉप मेरी बात सुनो, इन्हें कहकर तो कोई मतलब भी नहीं है, हम तीनों मिलकर ही खेलते है। गाइस यार इस मिंचन की टेंशन में मैं रात को सो नहीं पाया था, और उसके एक दिन पहले तो क्या हुआ था आप सभी को याद ही है। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरी बात सुनो, जल्दी से वहाँ पर चलो, वो लोग मिंचन और चॉप को परेशान कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए अचानक, वो एक नंबर के गुंडे है गुंडे। अच्छा ठीक है चल, ये देखो इनको बच्चों को परेशान करने में मजा आता है, बच्चों को शर्म आनी चाहिए, घोड़े जैसे बड़े हो गए हो। तेरी तो ये ले, जब तक दो चार कान के नीचे बजेगी नहीं ना तब तक इनको अक्ल नहीं आएगी। तुम लोगों को खुला कौन छोड़ देता यार। तेरी तो ये ले, मारने आ रहा था, ये देखो एक और है। अबे तू और ये जुड़वा भाई है क्या, एक जैसे दिख रहे थे। चलो ये भी गया। अबे यार ये चलो 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 ये भी फाइनली गया। गाइस हाश मिंचन और चॉप तुम लोग ठीक तो हो ना, चोट वोट तो नहीं आई? और पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग ऐसा क्या कर रहे थे जिसके वजह से ये लोग तुम्हारे ऊपर ऐसे आ गए। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया हमने कुछ भी नहीं किया था, वो तो गुंडे हैं, उन्हें थोड़ी ना किसी रीजन की जरूरत है। अच्छा ठीक है मिंचन, इसको तो मैं डांट भी नहीं सकता। चलो अभी घर पर चलते हैं, पूरे दो दिन हो गए बस एक घंटा हम लोग घर पर रुके। अरे हाँ ये बात तो आपने एकदम सही कही, मैं तो घर पर जाकर ही आराम से सोऊंगा, वैसे भी खेलते खेलते थक गया हूँ। तू क्या, ये दोनों भी आराम से सोएंगे, ये भी थक गए। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया अब तो जस्सी निकली, अपनी भविष्यवाणी कैसे कर ली? भविष्यवाणी नहीं की है, तुम दोनों भी तो दो दिन से कहाँ पर सोए हो, तो नींद तो आएगी, मैं तो यहाँ बीच पर सो गया था। अब आपकी वाट लगेगी, आपको रात को नींद ही नहीं आएगी। अरे पर क्या करता चॉप, इतनी खतरनाक नींद आ रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, और सोना जरूरी भी था, वापस गाड़ी चला के भी आना था, वरना रहता मैं बेहोशी की हालत में। अब देख रहे हो धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अंधेरे से थोड़ा डर लगने लगा है। तुझे तो क्या चॉप, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। देखो गाइस पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है, पर अच्छी बात यह है कि हम लोग पहुंच गए। जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं और जाते सीधा घर के अंदर आराम करने। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर देखो। अब क्या हो गया, एक मिनट। अबे ये फिर से, ये मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे नहीं नहीं ये अचानक से ऐसे ही शुरू हो गया था। अबे यार फिर से, अभी क्या मुसीबत है ये, अभी हम इसे कहाँ पर लेके जाएंगे, हॉस्पिटल भी इतना दूर है, इस टाइम पर तो कोई डॉक्टर होगा भी या नहीं वो भी पता नहीं, इतनी रात हो चुकी है यार। अभी तक तो ठीक था, रात होते ऐसे कैसे करने लग गया। अरे फ्रैंकलिन भैया बता रही थी ना, न्यूज में बता रही थी कि रात को बहुत सारे लोग नाच रही थी। हाँ तो तू बोलना क्या चाहता है, मुझे लगता है वो चुड़ैल का असर रात को ही होता है। अबे हाँ यार ये चीज तो मैंने सोची भी नहीं, मिंचन सिर्फ रात को ही ऐसे नाचता है। मिंचन मेरे भाई प्लीज उठ जा। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो, मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूँ। अबे ये तो चिल्लाने से ठीक हो गया, तू फिर से वही डांस करने लगा था मेरे भाई। अरे क्या बात कर रही हो, मुझे तो फिर से कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई होगी। अरे नहीं नहीं तुम वैसे ही नाच रहे थे, इन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने और शिनचैन ने भी देखा था। ये फ्रैंकलिन ने चिल्लाकर मेरा पूरा फोकस बिगाड़ दिया है, पर कोई बात नहीं मैं इसे फिर से काबू में कर लूंगी, कितनी देर बचेंगे ये लोग मुझसे, एक एक करके सबको मार दूंगी। मिंचन यार प्लीज अभी वापस नाचने मत लगना, अब चलते हैं यार घर के अंदर। एक मिनट, अबे यार वो चुड़ैल, एक मिनट कहाँ गई, अभी वहाँ पर थी मेरे सामने। अरे मुझे लगता है ना फ्रैंकलिन भैया डर के मारे आपका दिमाग खराब हो गया है, हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा। अरे कभी कभी हो जाता है वहम। अच्छा ठीक है एक काम करो, अभी घर पर नहीं जा रहे हम लोग, वापस आके गाड़ी में बैठो, मुझे ये जगह सेफ नहीं लग रही है। देखो अभी के लिए तो मिंचन ठीक हो गया है, पर आगे का कोई भरोसा नहीं है, और उस लेडी के वजह से बहुत सारे लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, हमें किसी भी हालत में उस डांसिंग लेडी को ढूंढना होगा, अब बस एक यही तरीका है जिससे हम लोग सब कुछ ठीक कर सके। अरे क्या बात कर रही हो, खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहती हो। देख शिनचैन तुझे क्या लगता है वैसे हमारा पीछा छोड़ देगी? एक मिनट ये रही, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के नीचे नाच रही है, आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं। जल्दी से गाड़ी को पार्क करता हूँ और उतरता हूँ, बहुत हो गया इसका, अब बताते इसको हम लोग, मिंचन को परेशान करके रख दिया है। अब यार फिर से गायब हो गई। अरे मुझे लगता है आपको गलतफहमी पे गलतफहमी हुई जा रही है। अरे यार मुझे दिखती है तुमको नहीं दिखती? गाइस यार इनका तो पता नहीं, पर अगर आपको भी दिखी थी तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हमारे डूड फैमिली के एक सदस्य कही है, जहां पर आपको बहुत सारी लाइव स्ट्रीम देखने मिलेगी जैसे कि पबजी, वैलोरेंट और भी बहुत सारे गेम्स की, तो इंतजार किस बात का, जल्दी से जाओ, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।